दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी रेलवे लाइन के बारे में जिसे लेकर चीन परेशान है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सिक्किम तक रेल लाइन बनाने का काम तेज कर दिया है। तमाम चुनौतियों के बाद भी इस रेल लाइन को 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रेल लाइन वेस्ट बंगाल के सिवक से सिक्किम के रांगपो तक बनाई जा रही है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है। सिक्किम तक रेल नेटवर्क के लिए शिलान्यास भले ही 2009 में किया गया था, लेकिन ये रेल लाइन पर्यावरण से मुद्दों पर अटकी हुई थी। फिर 2017 में डोकलाम विवाद के बाद ही इस रेल लाइन को गंभीरता से लिया गया और लद्दाख में टकराव के बाद से इसे पूरा करने के प्रयास और तेज कर दिए गए हैं। मौजूदा समय में सिक्किम तक जाने के लिए नेशनल हाईवे 10 ही एकमात्र सड़क है जो राज्य के देश के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ती है। यहाँ की सड़क पर जरूरत से ज्यादा दबाव होने से इलाके में ट्रैफिक जाम की भी समस्या बहुत बड़ी हो गई है। जबकि सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से महज 56 किलोमीटर दूर नथुला पास मौजूद है, ये चीन की सीमा से लगा हुआ है। इसलिए सेवक से रांगपो तक रेलवे लाइन को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। सेवक से रांगपो तक अंडर कंस्ट्रक्शन रेल लाइन की लंबाई करीब 45 किलोमीटर है। यह इलाका भौगोलिक रूप से काफी चुनौतियों से भरा हुआ है, इसलिए यहां रेल लाइन 13 पुलों और 14 सुरंगों से होकर गुजरेगी। इस रूट पर रांगपो, रायंग, तिस्ता बाजार और मेली स्टेशन प्रस्तावित है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल यहां पर काम स्लो या बिल्कुल बंद पड़ा था, लेकिन अब इसका काम काफी तेज कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सीनियर PRO के मुताबिक सिक्किम तक रेल संपर्क को मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। सेवक से रांगपो तक रेल लाइन बनाने से न केवल स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी सहूलत सेना को होगी और उनका मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से हो सकेगा। दरअसल सर्दी और खासकर मानसून के दौरान ये इलाका लैंड स्लाइडिंग की वजह से पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे में रेलवे की नई लाइन इस इलाके को एक नया जीवन देने वाली है। इस रूट पर ट्रेन 100 किलोमीटर की गति से चलेगी। यह सफ़र 2 घंटे से भी कम समय का होगा। फिर रांगपो से सड़क द्वारा 1 घंटा में गैंगटोक तक पहुँचा जा सकता है। आने वाले समय में ये रेलवे रांगपो से गैंगटोक तक फिर आगे नथुला पास तक विस्तार की जाएगी। यानी ये पूरा रेल प्रोजेक्ट रक्षा जरूरतों के लिहाज से भी काफ़ी खास है।